हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो कंटेंट मैं आपके साथ कराने जा रहा हूँ वो मैं प्रोटेस्ट पिटीशन करवाने जा रहा हूँ सीआरपीसी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सेपरेट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैं आज आपके साथ तीन लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करूंगा, जिसमें एक रीसेंट जजमेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहां पे सीआरपीसी के प्लेलिस्ट की सीक्वेंस में, मैनर में, सेक्शन बाय सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पे लेबर लॉस की वीडियोस भी 70 प्लस देख सकते हैं। 15 से ज्यादा कानून मैंने लेबर लॉस के कवर करा रखे हैं। जो बच्चे ईपीएफओ एलएलबी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अभी जो लास्ट वीडियो मैंने सीआरपीसी पे बनाई थी तो उसमें मैंने 173(1) से लेकर 6 तक करवाया। अभी 7-8 मुझे करवाना है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लेके आऊंगा। तो ये इसका पार्ट नहीं है, बट इसके कंटिन्यूएशन में, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या कहीं पे डिफाइंड है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोटेस्ट पिटीशन सीआरपीसी में डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है, और अगर डिफाइंड है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो नहीं है फिर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन का पर्पस क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। 173 में जब पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, या यूं कहिए फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, तो इसका मतलब होता है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी उस इन्वेस्टिगेशन का ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन पुलिस सबमिट कर देती है तो हो सकता है कि पुलिस उसमें बोले कि यहां पर कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, यह भी एक पॉइंट हो सकता है। या फिर पुलिस उसमें बोले कि यहां पे एक लेसर डिग्री का ऑफेंस कमिट हुआ है। तो उस केस में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव मतलब जो विक्टिम है, या फिर जो इंफॉर्मेंट है, जो जिसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी या फिर जिसने कंप्लेंट करवाई थी, जो इंफॉर्मेंट है या जो एग्रीव पार्टी है, उसके तो इंटरेस्ट प्रेजुडाइज हो जाएंगे। मतलब उसको तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी और इन्वेस्टिगेशन में 169 सेक्शन जो मैंने आपको कराया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। 169 में पुलिस को पता चलता है कि यहां पे सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है प्रोसीड करने के लिए। तो आप जहां पे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो पुलिस वहां पे क्या करेगी, एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी, बोलेगी नहीं यहां पे तो ये जो पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन आई थी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर एलिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलने की वजह से हमें केस क्लोज करना पड़ रहा है। तो आप वहां पे जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है, जो कंप्लेनेंट है आपका या जो इन्फॉर्मेंट है, जो एग्रीव पर्सन है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या यू कहूं उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड कर दें, डिस्पाइट द पुलिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड, डिस्पाइट द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड द पुलिस हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, उसके बावजूद उस कंप्लेनेंट या उस इन्फॉर्मेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये एक तरीके का जुडिशियल इनोवेशन है, अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो। जो आपका प्रोटेस्ट पिटीशन है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया, या पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर कर लिया और बोला कि नहीं कोई केस नहीं बनता, या तो ये, तो उस केस में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके आप अपने मैटर को अभी भी अलाइव रख सकते हैं, आप अपने केस को अभी भी अलाइव रख सकते हैं। आप लोगों ने, अगर आपको प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में हल्का फुल्का भी पता होगा, तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कई जगह लिखा होता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरीके की कंप्लेंट हो जाती है, बट उसके डिटेल्स में हम उसकी इंट्रिकेसी में अभी हम जजमेंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो अभी जो इजी लैंग्वेज में समझने वाली बात थी कि प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है उस एग्रीव पर्सन या उस कंप्लेनेंट के लिए, जहां पे पुलिस ने मान लीजिए क्लोजर कर दिया केस का और वहां पे सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, पुलिस ने केस क्लोज कर दिया और फाइनल रिपोर्ट में पुलिस ने बोला कि नहीं कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है या फिर एक लेसर डिग्री का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहां पे अगर वो चीज, वो जो व्यक्ति है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उससे कन्विंस्ड नहीं है, वो जो एग्रीव पर्सन या कंप्लेनेंट है वो उससे कन्विंस्ड नहीं है कि पुलिस ने जिस तरीके से क्लोजर किया है केस का, उस क्लोजर से वो कन्विंस नहीं है, तो उस केस में दैट पर्सन हैज द ऑप्शन, दैट पर्सन हैज द फैसिलिटी टू रिजॉर्ट टू द ऑप्शन ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन। तो दिस इज व्हाई द प्रोटेस्ट, द फैसिलिटी ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ।
नाउ कमिंग अपॉन, देखिए अब अगला सवाल आप लोगों से, आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। जब मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मिलती है तो क्या मैजिस्ट्रेट बाउंड है उसके कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं? आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। मेरा सवाल सुन लीजिए दोबारा कि जब पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइनल करी और मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर दी, तो क्या वो जो उसके कंक्लूजन पुलिस ने डिराइव किए उस रिपोर्ट में, जो पुलिस ने उसमें मेंशन किया है, तो क्या उस कंक्लूजन से मैजिस्ट्रेट बाउंड है या मैजिस्ट्रेट एक अपना भी व्यू ले सकता है, उसके अलावा भी उससे डिसएग्री भी कर सकता है? तो हालांकि आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें, मैं इसको यहां पे बता देता हूं क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूएशन मुझे जजमेंट की करानी है। मैजिस्ट्रेट मे एक्सेप्ट और डिक्लाइन द कंक्लूजन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि आप जो 173 में रिपोर्ट फाइल करते हैं या फिर आप जो क्लोजर करते हैं, जो आप 169 में आपने क्लोजर कर दिया कि अगर पुलिस ने क्लोजर कर दिया कि अगर एविडेंस आपके डेफिशिएंट है, एविडेंस सफिशिएंट अवेलेबल है नहीं, तो वहां पे पुलिस ने 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, तो वो जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, कि मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को उस कंक्लूजन से, उस पर्टिकुलर कंक्लूजन जो पुलिस ऑफिसर ने डिराइव करी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डिराइव करी है, उससे उसको कंकर करना ही पड़ेगा। द मैजिस्ट्रेट हैज द डिस्क्रिशन, द मैजिस्ट्रेट हैज द चॉइस इन दैट सिनेरियो, कि मैजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर कंक्लूजन से डिफर भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर कंक्लूजन से डिफर भी कर सकता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास यहां पे डिस्क्रिशन है इस चीज की, जुडिशियल डिस्क्रिशन दी हुई है मैजिस्ट्रेट को। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पे हमें यह समझने की बड़ी जरूरत है कि जब मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करता है तो पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करने का पर्पस क्या है? पर्पस है 190, जो सेक्शन 190 है सीआरपीसी में, उसका जो क्लॉज बी है, सबसेक्शन बी है, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना पड़ता है अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। तो वहां पे मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट के अलावा भी दो ऑप्शन होते हैं कॉग्निजेंस लेने के, एक तो कंप्लेंट के ऊपर और एक मैजिस्ट्रेट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का पर्पस है कि मैजिस्ट्रेट के तरफ से कुछ इनजस्टिस ना हो जाए, कोई लूप होल ना रह जाए, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पर्पस को इंश्योर करने के लिए 191C का ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सेक्शन 190 के अंदर, जिसमें मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। तो अब यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए, मैं क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। देखिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, जो भी ऑफिसर इंचार्ज था, उसने एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, वहां पे रिपोर्ट में पुलिस कहती है कि नो ऑफेंस इज मेड आउट, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस नो ऑफेंस इज मेड आउट। अब यहां पे मैजिस्ट्रेट अगर चाहे, ध्यान से समझिएगा, मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो जो पुलिस रिपोर्ट में वहां पे जो मेंशन है कि कोई ऑफेंस बनता नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट उस ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट में और जो स्टेटमेंट वगैरह जो बयान लिए हुए दर्ज है उसके बेसिस पे ही मैजिस्ट्रेट कंक्लूजन से तो डिफर कर सकता है, कंक्लूजन से डिफर कर सकता है, मगर फिर भी पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। मैंने क्या बोला उसको दोबारा बताता हूं। देखिए जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई 173 में, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई और वहां पे यह कहा गया कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है। अब जब ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो ऑफेंस कमिट नहीं होने के बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेना चाहता है, तो अब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेना चाहता तो पावर है मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट चाहे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है, 191C के अंदर ये ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट के पास। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे ये आ जाता है कि मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट जो फाइल करी है पुलिस ऑफिसर ने, उसकी कंक्लूजन से तो मैजिस्ट्रेट डिफर कर रहा है, डिफर मतलब कि मैजिस्ट्रेट उसकी कंक्लूजन से राजी नहीं है, एकदम अलग ओपिनियन है उसका, मगर उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है
उन इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे जो स्टेटमेंट अवेलेबल है विटनेसेस के, जो मैजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिसर ने छानबीन करते वक्त इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते वक्त जो एविडेंसेस इकट्ठा किए हैं, वो एविडेंसेस के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा और वो कॉग्निजेंस आपकी कॉग्निजेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट ही कहलाएगी। यहां पे आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि कंक्लूजन से डिफर कर रहा है और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लिया, ये कैसे हो सकता है? तो यहां पे यही समझने वाली बात है कि मैं पुलिस रिपोर्ट में जो आपने कंक्लूड किया मैं उससे राजी नहीं हूं, मेरे को मैं उससे एग्री नहीं कर रहा, मैं आई एम डिक्लाइनिंग फ्रॉम दैट, आई एम नॉट एग्रींग, द मजिस्ट्रेट इज नॉट एग्रींग विद द फैक्ट विद द कंक्लूजन डिराइव बाय द पुलिस ऑफिसर। बट जो उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है, मतलब कि जो एविडेंसेज इकट्ठा हुए हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं, उन बयानों को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इसे आप ऑन सस्पिशन, हालांकि ऑन सस्पिशन एक अच्छा वर्ड नहीं है यूज करने के लिए, मगर मजिस्ट्रेट सस्पिशन के बेसिस पे वहां पे कॉग्निजेंस ले लेगा और वो कॉग्निजेंस आपका 191B ही कहलाएगा, मतलब कि वो कॉग्निजेंस टेकन अपॉन द पुलिस रिपोर्ट ही कहलाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट, ध्यान रखना, कि वहां पे मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर की जो कंक्लूजन थी उससे डिफर किया है। ये तो है ऑप्शन नंबर वन। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले एक जजमेंट कराता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, HS Benz versus the state UT of Chandigarh, 1980 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। हालांकि मुझे इससे एक पुरानी जजमेंट भी करानी है, बट पहले मैं ये कराता हूं आपको। जजमेंट में हुआ कुछ यूं कि ये जो अपेलेंट है इसके खिलाफ चार्जेस कंप्लेंट ये फाइल हुई कि ये हमारे घर में घुसा, जिसने शिकायत करी थी कंप्लेनेंट ने ये शिकायत करी कि ये मेरे घर में घुसे थे HN Benz और ये इन्होंने मुझे धमकी दी, हम मारने वारने की धमकी दी। तो कंप्लेंट फाइल हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 156(3) में। मैजिस्ट्रेट के पास पावर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने की, तो 156(3) में ऑर्डर करने की इन्वेस्टिगेशन, तो मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो जब 173 की रिपोर्ट फाइल हुई तो रिपोर्ट में हुआ कुछ यूं कि पुलिस ने बोला कि कोई ऑफेंस नहीं बनता। पुलिस ने क्लियरली बोल दिया कि 173 की रिपोर्ट में पुलिस ने कह दिया कि ये जो कंप्लेंट थी ये फॉल्स थी, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट पे जो अपेलेंट है, जो HS Benz है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस उस जगह पे थे ही नहीं जिस जगह पे कंप्लेनेंट ने एलेज किया, जिस जगह पे कंप्लेनेंट ये चीज क्लेम कर रहा है, वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो यहां पे हुआ क्या कि कंप्लेंट, मतलब पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया कि ये फर्जी कंप्लेंट है, ये फॉल्स कंप्लेंट है, मगर फिर भी मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इशू कर दिया। अब यहां पे जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया तो जो अपेलेंट थे उन्होंने पिटीशन लगा दी हाईकोर्ट में और कहा कि ये तो जो मैजिस्ट्रेट जो प्रोसीडिंग चालू कर रहे हैं वो तो प्रोसीडिंग ही इलीगल है। हाईकोर्ट ने उनकी वो प्रोसीडिंग को, हाईकोर्ट ने जो उनकी अपील थी अपील को डिसमिस कर दिया, मतलब HS Benz की अपील को डिसमिस कर दिया और बोला कि प्रोसीडिंग यहां पे इलीगल नहीं है। दूसरी चीज, अब जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया यहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट में HS Benz की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दी गई कि मैजिस्ट्रेट तो पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहां पे पुलिस ने तो कोई ऑफेंस कहा ही नहीं, पुलिस ने तो कोई ऑफेंस डिस्क्लोज ही नहीं किया। मतलब पुलिस तो कह रही है कि कंप्लेंट फॉल्स है, इस बंदे ने तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया, मगर कंक्लूजन डिराइव करने के बावजूद, मैजिस्ट्रेट पुलिस के कंक्लूजन डिराइव करने के बावजूद कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। मतलब कि कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे लिया और उस पुलिस रिपोर्ट पे लिया जो ये क्लियरली मेंशन कर रही थी कि यहां कोई ऑफेंस नहीं हुआ। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैजिस्ट्रेट ने जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करी है वो प्रोसीडिंग वैलिड है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कि जब सेक्शन 173 में पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है और ये कहती है कि कोई ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट उस ओपिनियन से, जो पुलिस की ओपिनियन है पुलिस रिपोर्ट में, जो कंक्लूजन है उससे मैजिस्ट्रेट डिफर कर सकता है। पॉइंट नंबर वन, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मैजिस्ट्रेट कह सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उससे उस पर्टिकुलर चीज से डिफर कर सकता है मैजिस्ट्रेट। मगर दूसरी चीज, डिफर करने के बावजूद मैजिस्ट्रेट
पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो चीज ध्यान रखिए। देखिए एक जजमेंट है अभिनंदन झा, जो मुझे अभी करानी थी आपको, ये पुरानी जजमेंट है इनफैक्ट, वर्सेस दिनेश मिश्रा 1967। अब इसमें मैं बेसिक बता देता हूं, क्योंकि ये जो केस है एचएस बेंस वाला, उसमें ये रेफर करा गया। और अभी जो मैं आपको एक रिसेंट 2019 की जजमेंट बताऊंगा, उसमें तो इनफैक्ट दोनों ही जजमेंट रेफर करा गया, अभिनंदन झा को भी रेफर किया गया था और एचएस बेंस को भी रेफर किया गया था। देखिए अब अभिनंदन झा में बेसिक क्या हुआ था, मैं ज्यादा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं कि क्या मजिस्ट्रेट चार्जशीट सबमिट करने के लिए पुलिस को बोल सकता है, क्या मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई इनहेरेंट पावर है कि चार्जशीट सबमिट करे। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, चार्जशीट सबमिट करने के लिए तो इनहेरेंट मजिस्ट्रेट नहीं बोल सकता, मगर हाँ मजिस्ट्रेट ये जरूर कर सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर आता है पुलिस रिपोर्ट में तो मजिस्ट्रेट उसे डिफर कर सकता है, मजिस्ट्रेट को उस पर्टिकुलर पुलिस रिपोर्ट की कंक्लूजन से एग्री करने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। पॉइंट नंबर वन, मजिस्ट्रेट उससे डिफर कर सकता है और मजिस्ट्रेट अपनी एक सेपरेट कॉग्निजेंस भी ले सकता है। तो वहां पे अभिनंदन झा के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया था कि 191C, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सेक्शन है, 191C के अंदर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एचएस बेंस जो 1980 में जजमेंट आई 13 साल बाद, उस वाली जजमेंट में बोला कि अभिनंदन झा के अंदर जो ये एक्चुअली में सी कर दिया था रेफरेंस, ये सी नहीं बी है। मतलब कि अभिनंदन झा के टाइम में जजमेंट ये चल रही थी कि अगर आप डिफर कर रहे हो, मतलब अगर एक मैजिस्ट्रेट पुलिस और रिपोर्ट के कंक्लूजन से डिफर कर रहा है डिस्पाइट वो फिर कॉग्निजेंस ले रहा है, तो वो कॉग्निजेंस या तो उसने सुओ मोटो लिया या फिर कंप्लेंट पे लिया, प्रोटेस्ट पिटीशन वाले पे, ठीक है। लेकिन यहां पे जब 1980 में एचएस बेंस की जजमेंट आई तो वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो गया कि मैं आपके कंक्लूजन से तो डिफर करूंगा, मैं मतलब मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के कंक्लूजन से तो डिफर करूंगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट मैं जो मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास पुलिस रिपोर्ट के अंदर, जो कंटेंट अवेलेबल है मेरे पास पुलिस रिपोर्ट के अंदर, मैं उसके बेसिस पे पुलिस रिपोर्ट के ऊपर ही मैं वो ले लूंगा, कॉग्निजेंस ले लूंगा, मुझे 191C की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लैरिफिकेशन एचएस बेंस में दी किस जजमेंट के रिगार्डिंग, अभिनंदन झा के जजमेंट के रिगार्डिंग, कि वहां जो 191C का रेफरेंस लिया गया था वो एक्चुअली सी का रेफरेंस नहीं था, वो बी का रेफरेंस ही था। और 191B क्या है, मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट, 191B अगर आप देखेंगे, और 191A क्या है, मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अपॉन द कंप्लेंट। तो ये दोनों जजमेंट्स मैंने आपको कवर करा दिए। अब आते हैं हम इस अभी के लैंडमार्क जजमेंट पे, जिससे प्रोटेस्ट पिटीशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, अब उसी के रिगार्डिंग विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कहानी समझते हैं। विष्णु तिवारी यहां पे एक्यूज्ड है और हस्बैंड भी था डिसीज्ड का, जिसकी मौत हुई है इस केस में, उसका डिसीज्ड का हस्बैंड था। तो यहां पे हुआ कुछ यूं कि विष्णु तिवारी के जो फादर थे, इन्होंने जब विष्णु तिवारी की शादी हुई तो यहां पे शादी में ऑल्टो कार मांगी और 2 लाख रुपए की डिमांड करी शादी के बाद, कि विष्णु तिवारी को बीएड करवाना है, और इवन की शादी के वक्त भी 4 लाख रुपए की डाउरी की डिमांड करी थी, ठीक है, डाउरी की डिमांड। तो वो डिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया था। अब एक दिन की बात है, मैं आपको 2010 की सिचुएशन के बताता हूं। तो 2010 में एक कॉल आया डिसीज्ड, मतलब जो लड़की जिसकी डेथ हो गई वाइफ का, उसके फादर को एक कॉल आती है 8 सितंबर 2010 से पहले कॉल आई, इनफैक्ट वो 8 सितंबर को वहां पे पहुंचे, तो पता चलता है कि उनकी बेटी गायब है जब इनके घर पे पहुंचे, क्योंकि ये जो विष्णु तिवारी है, विष्णु तिवारी की फैमिली, इनके फैमिली में सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो मदर इन लॉ, सारे ये डाउरी के लिए परेशान करते थे उस लड़की को जिसकी डेथ हो गई बाद में। तो यहां पे जो पुलिस ने चार्ज बनाया, जो एफआईआर दर्ज कराई गई, तो 201 में 304B डाउरी डेथ, 498A क्रुएल्टी आईपीसी। तो हुआ कुछ यूं कि ये सारे के सारे
जब 173 में रिपोर्ट फाइल करी गई तो कहा गया कि ऐसा तो कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई है वो मेंटल इलनेस से हुई है, जो लड़की की डेथ हुई है वो मेंटल इलनेस से हुई है। और हाँ, एक और सेक्शन थे, सेक्शन 3 और 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। तो जब ये ऑफेंस का मतलब ये क्लेम किया गया, एलेज किया गया, तो 173 में जब रिपोर्ट फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेंटल इलनेस से मौत हुई है इसकी, इसका तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। तो अब यहां पे मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि यहां मतलब कोई केस बनता नहीं है, ठीक है, वो सारे छूट गए। अब जब वो सारे छूट गए तो उसके बाद जो लड़की के, जो डिसीज के फादर थे, उसके पिता थे, जो इस केस में इनफैक्ट एक सेकेंड रिस्पॉन्डेंट है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट तो स्टेट हो गई और सेकेंड रिस्पॉन्डेंट है, जो लड़की के फादर थे, डिसीज फादर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी। और प्रोटेस्ट पिटीशन मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो क्लोजर ऑफ द केस है उससे कन्विंस्ड नहीं है, तो एज अ विक्टिम या एज एन एग्रीव पार्टी, एज अ कंप्लेनेंट, आपके पास अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट पिटीशन डाल दीजिए। तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई गई, किसके पास? सीजीएम के पास। तो प्रोटेस्ट पिटीशन डिसमिस कर दिया गया। अब प्रोटेस्ट पिटीशन जब डिसमिस हुआ तो उसके बाद एडिशनल सेशन जज के पास रिवीजन लगाई गई, रिवीजन पिटीशन लगाई, रिवीजन लगाई गई, रिवीजन भी डिसमिस हो गया। तो इन्होंने, ये लड़की के फादर ने, हाईकोर्ट में रिट लगाई। तो हाईकोर्ट में रिट लगाने के बाद ये दोनों जो ऑर्डर पास हुए थे सीजीएम के, इनको सेट असाइड कर दिया गया, इनको सेट असाइड कर दिया गया। ये दोनों ऑर्डर को सेट असाइड करके बोला कि नहीं, आप प्रोटेस्ट पिटीशन को मतलब दोबारा से केस को खोलें और प्रोटेस्ट पिटीशन को कंसीडर करें। मतलब सीजीएम को ऑर्डर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि आप जो आपके प्रोटेस्ट पिटीशन है उसको दोबारा से रिकंसीडर करें और फ्रेश एविडेंसेस को बुलाएं, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएं। तो यहां पे आप इस पर्टिकुलर हाईकोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड होके जो एक्यूज था विष्णु कुमार तिवारी, उसने एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में 2017 में। तो अब इस केस में क्या हुआ, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या कहा, मैंने आपको बता दिया जजमेंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लास्ट ईयर के लैंडमार्क जजमेंट है 173 के रिगार्डिंग, तो आपको इसको याद रखना ही रखना है। देखिए यहाँ पे दोनों जजमेंट को रेफर किया गया, एचएस बेंस और अभिनंदन झा, जो मैंने आपको बताया वर्सेस दीपक मिश्रा वाली, अभी जो जजमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ कुछ यूं कि कोर्ट ने बोला कि जब कभी भी पुलिस रिपोर्ट आती है तो मैजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट से कनकर कर सकता है, डिफर कर सकता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो वहां पे डिफर करके भी कॉग्निजेंस ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है कंप्लेंट की तरह, ठीक है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि जब प्रोटेस्ट पिटीशन आपकी कंप्लेंट की तरह एंटरटेन करी जाती है और प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो फिर सेक्शन 200 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, 202 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर एग्जामिनेशन किया जाएगा कंप्लेनेंट का और लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल, जब कंप्लेंट फाइल करी जाएगी तो लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करना पड़ेगा और उन विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ये चेक तो करा जाएगा ना कि जो कंप्लेंट फाइल करी गई है वो कंप्लेंट फर्जी है कंप्लेंट फर्जी नहीं है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो समझने वाली बात है कि प्रोटेस्ट पिटीशन आपकी जब भी फाइल होगी तो उसमें ये चीज ध्यान रखा जाएगा कि वो एसेंशियल्स ऑफ अ कंप्लेंट पूरा करे। मतलब कि सेक्शन 2D जो सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे वहां पे कंप्लेंट की डेफिनेशन है, तो उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कंप्लेंट जो है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए? प्रोटेस्ट पिटीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और जब कंप्लेंट की तरफ प्रोटेस्ट पिटीशन को ट्रीट किया जाता है तो उसमें 200 का सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, 200 का कंप्लाइंस होगा, उसके बाद 202 का कंप्लाइंस होगा, प्रोसेस इशू किया जाएगा। तो ये चीज करी जाती है प्रोटेस्ट पिटीशन के अंदर। ये है हुआ पॉइंट नंबर 1। ये कब करा जाता है? जब मैजिस्ट्रेट ने जो आपकी पुलिस रिपोर्ट है या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जिसमें कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, या फिर एक लेसर डिग्री के ऑफेंस के लिए पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, तो भी प्रोटेस्ट पिटीशन, जो भी एग्रीव्ड है, जो कंप्लेनेंट है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। मगर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, ऑल द प्रोटेस्ट पिटीशंस मस्ट नॉट बी कंपल्सरिली बी ट्रीटेड मस्ट नॉट कंपल्सरिली बी ट्रीटेड
एज द कंप्लेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होती है, इसका मतलब वो नहीं है कि एज अ मैटर ऑफ राइट उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। हाँ, एक जुडिशियल प्रैक्टिस रही है, कई सारे केसेस में देखने को मिला है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट पिटीशन आपके कंप्लेंट की तरह ही दर्ज करी जाए। उसका कोई ऐसा कोई मैंडेट नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट के फेवर में, मतलब विष्णु तिवारी के फेवर में जजमेंट दी और बोला कि जब इनफैक्ट यहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी गई थी तो कोई लिस्ट ऑफ विटनेस भी फाइल नहीं करा गया था और कोई ऐसा ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता था जिस ग्राउंड के बेसिस पे प्रोटेस्ट पिटीशन को एंटरटेन किया जाए। तो इसका मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि प्रोटेस्ट पिटीशन जब फाइल हो रही है तो एज अ मैटर ऑफ राइट वो खुद ब खुद कंप्लेंट की तरह कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, उसको कंप्लेंट के एसेंशियल्स को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। जो सेक्शन 2D की जो डेफिनेशन है कंप्लेंट की, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो प्रोटेस्ट पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगा और प्रोटेस्ट पिटीशन के बेसिस पे फिर कॉग्निजेंस भी नहीं लेगी कोर्ट, ये बात ध्यान रखना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी उस अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, बोला कि नहीं, यहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, एज अ मैटर ऑफ राइट सारे प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये तीन जजमेंट्स मैंने आपको प्रोटेस्ट पिटीशन के रिगार्डिंग कराई और 173 में किस तरीके से रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है उसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं 173(8) जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जजमेंट के साथ वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।